हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसे हिंदी में आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे हिंदी में आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, क्या चीज, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, मान लेते ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप उसे ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं ए के ऊपर ऐसे आप टी बना दीजिए, इसका भी मीनिंग होता है ए का ट्रांसपोज। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या तो आप डैश लगा दीजिए तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, ठीक है, या फिर आप लगा सकते हैं ए के ऊपर ऐसे टी, तो इसका भी मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा कुछ यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तब आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीन एग्जांपल्स लिए हैं, ये छोटा है, ये 2x2 का, ये 3x3 का है, ठीक है, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है 1 नंबर का, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स दिया है तो इसको हम ए बराबर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए बराबर मान लिया, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बताया, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए का है ना, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए के ऊपर आप डैश लगा सकते हैं या फिर और ए के ऊपर आप ऐसे टी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, इसका भी मतलब ए का ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है, आप कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका मैं मेथड आपको बता देता हूं, रो को उठाना है कॉलम में पुट करना है, यानी कि रो को चेंज कर देना है कॉलम में, रो को हमको चेंज कर देना है कॉलम में, अगर कॉलम है तो उसको रो में चेंज करना है। ट्रांसपोज में करना क्या है, बस आपको एक माइंड में रखना है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज का मतलब ही यही है कि चेंज द एलिमेंट रो टू कॉलम या फिर कॉलम टू रो, ठीक है। अभी देखें, समझिए, तो यहां पर देखेंगे, ये देखो पूरी एक कंप्लीट रो है, देखिए यहां पर ए बी सी, ये एक रो बनी है ना, तो मैंने क्या बताया, रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है, ये कंप्लीट रो है तो इसको उठाकर कॉलम में रख देना है। तो यहां पर देखो रो क्या है, ए बी सी, तो उसको कॉलम में पुट कर दीजिए, देखो यहां पर ए बी सी, बस आंसर, बस क्या गया आंसर, बिल्कुल इजी है ना, क्या करना है, रो को उठाना है कॉलम में पुट कर देना है, बिल्कुल इजी, समझ में आया ना। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स यहां पर दिया है ए बराबर 2 1 4 2 1 4, तो मैंने क्या बताया, अगर कोई मैट्रिक्स 2 1 4 दिया है, ये देखो इसमें किसमें दिया है, कॉलम में दिया है, तो कॉलम को किसमें चेंज करना है, रो में, तो कॉलम क्या है, 2, देखो ये कॉलम है, ऐसे वाला, ऐसे कॉलम होते हैं ऐसे रो होते हैं, यहां पर देखिए ये कॉलम में है ये रो में है, ठीक है, तो यहां पर देखो ये कॉलम में है, किसमें है, कॉलम में है, तो इसको रो में कन्वर्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो और समझ में आएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम बी बराबर मान लेते हैं, यानी कि ये बी बराबर एक मैट्रिक्स है, मान लिया, ठीक है, कि ये बी बराबर एक मैट्रिक्स है, तो हमको मान लेते हैं हमको बी का ट्रांसपोज निकालना है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ए मान लीजिए, फिर से ए मान सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है, मैंने क्या बताया, रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो, सिंपल, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहां पर देखेंगे रो क्या है, देखो यहां पर 2 0 रो 1 6 4 रो 2, देखो ये रो है 2 0 रो 1 6 4 रो 2, तो 2 0 रो को उठा के कॉलम में पुट कर दो, फिर इसको उठाओ कॉलम में पुट कर दो, देखें यहां पर क्या है, देखिए 2 0 रो है तो 2 0 आपका कॉलम में आ गया, समझ में आ रहा है ना, कैसे 2 0 रो में ऐसे है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहां पर देखो 6 4 रो में है तो 6 4 ऐसे आ जाएगा, कैसे 6 4, ये आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर, आ गया, समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया, ये देखो रो 1 है 2 0,
तो ये रो 120 है तो इसको उठा के यहाँ पर कॉलम में पुट कर दिया 20। ये रो 64 है तो इसको उठा के कॉलम में पुट कर दिया, बस सिंपल। अब यहाँ पर देखिए तो और डिटेल में समझ में आएगा। मान लेते हैं ये आपका क्या सी बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, सी का ट्रांसपोज निकालना है, या फिर आप सी डैश भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने क्या बताया, रो को उठाओ कॉलम में रख दो। तो रो क्या है, यहाँ पर देखो 147 रो है, इसको उठा के कॉलम में, इधर देखो कॉलम वन में 147। रो टू क्या है, रो टू है 258, तो कॉलम में रखो 258। ओके, फिर से रो क्या है 369, ऐसे है उसको ऐसे रखना है, बस इतना याद रख लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको जैसे ये ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखा तो उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 369, तो क्या हो जाएगा 369, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स है डी बराबर, वो क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो डी के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, फिर आप टी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आप यहां पर देखिए मैंने क्या बताया, रो को उठाओ कॉलम में रखो। रो समझ लो पहले, ये आपका रो होता है, ये रो वन रो टू ये कॉलम होते हैं, ओके। तो हमको रो को उठाना है कॉलम में रख देना। तो रो देखिए क्या है, ये ऐसे रो होती है, तो ए बी रो है तो इसको उठा के कॉलम में रख दो, बस। तो ए बी रो है तो हमने लिखा ए बी कॉलम में। यहां पर देखो सी डी रो है तो सी डी कॉलम में, बस। देखिए ये डी है, ये डी डैश है, ये आपका क्या आ गया, डी का ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।